से देखा ना हो लेकिन कब से शुरू हुआ कोलार गोल्ड फिल्म से सोने का इस्तेमाल, क्यों बंद कर दी गई थी केजीएफ फिल्म, केजीएफ से क्या फर्क पर सोने की खदान कोलार गोल्ड फिल्म को। मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं कोलार गोल्ड फिल्म यानी केजीएफ के इतिहास की। कोलार के खानों से निकले सोने के इस्तेमाल की शुरुआती सबूत 2000 साल पुरानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। इसके बाद कोलार का सोना गुप्त और चोल राज्यवंशों की भी शोभा बना। टीपू सुल्तान और फिर अंग्रेज शासकों ने भी कोलार की खानों से सोना निकाला। अब कई साल से बंद पड़ी इस खदान को नरेंद्र मोदी सरकार फिर से खोलने की तैयारी में है। बेंगलुरु में करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित कोलार में सोने का उत्पादन 2001 में बंद कर दिया गया था। इसकी कई वजह थी। इस कीमती धातु की कीमतों में बड़ी गिरावट आ गई थी। दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान होने की वजह से इससे सोना निकालने पर ज्यादा खर्च आ रहा था और इससे चलाने वाली कंपनी की हालत बहुत खस्ता भी हो गई थी। उससे पहले की डेढ़ सदी के दौरान इस खदान से करीब 800 टन सोने का उत्पादन हुआ था। अब सोने की कीमतें तब की तुलना में करीब 5 गुना बढ़ गई हैं। आगे भी उनके बढ़ते जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए इस खदान को फिर से चालू करने की योजना है। कुछ समय पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कहा था कि वह इसे फिर से चालू करने पर विचार करे। इसके बाद हाल ही में खनन सचिव बलविंदर कुमार ने कहा कि सरकार कोलार खदान की नीलामी करने की योजना बना रही है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की चर्चित खनन कंपनी सिटी गोल्ड क्रॉप का बयान आया कि उसने कोलार खदान के लिए बोली लगाने के मकसद से एसएल ग्रुप के साथ हाथ मिलाया। फिलहाल यह खदान सार्वजनिक उपक्रम भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के पास है। कोलार की खदानों का आधुनिक इतिहास ब्रिटिश फर्म जॉन टेलर एंड सन से शुरू होता है। 1880 में इस इंजीनियरिंग कंपनी को यहां से सोना निकालने का ठेका दिया गया था। यह एक तरह से ब्रिटिश सरकार की आखिरी कोशिश थी, क्योंकि इससे पहले कई कंपनियां यहां से सोना निकालने में असफल साबित हुई। जॉन टेलर एंड सन्स को सोना मिल गया और इसके साथ ही कोलार के दिन बदलने शुरू हो गए। 1902 में शहर में बिजली आ गई और तब यह इस सुविधा को पाने वाले सबसे पहले एशियाई शहरों में था। भारत की आजादी के बाद 1956 में इन खदानों का राष्ट्रीयकरण हो गया। 1970 में BGML ने इन खदानों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, लेकिन शुरुआत में सफलता पाने के बाद भारी भरकम स्टाफ सहित कई कारणों के चलते कंपनी का फायदा दिनों दिन घटता गया और 1989 आते आते स्थिति यह हो गई कि कंपनी चढ़े कर्ज की स्थिति इसमें सोने की कीमत से ज्यादा हो गया। 2001 में BGML ने काम बंद कर दिया। तब से कर्मचारी अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं और करीब 13,000 एकड़ में फैला कोलार गोल्ड फील्ड किसी भूतान खंडर जैसा हो गया है। लेकिन हो सकता है कि अब इसमें फिर से रौनक लौट आए। आपको क्या लगता है कि क्या कोलार के बारे में लोगों को या सरकार को बताने में सबसे बड़ा हाथ केजीएफ फिल्म का है? हमें तो यही लगता है, क्योंकि पहले लोग इसे जानते तो थे लेकिन इसको लेकर गंभीर नहीं थे। इसके बारे में बातें तो होती थी लेकिन गूगल पर सर्च करके जाने की इच्छा नहीं थी। लेकिन केजीएफ के आने के बाद लोग इसे जानने लगे हैं, इसके इतिहास को पढ़ने लगे हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। स्क्रिप्ट रिटन बाय मनीषा जैन।